हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 5 का पार्ट 11th पढ़ेंगे। इसमें हम लोग लेमिना पढ़ेंगे आज, पर्णफलक का अर्थ है कि पत्ती। बच्चों कोई लीफ होती है, लीफ पत्ती, ये पेट्यूल से लेकर उसकी एपिक्स तक जो फाइली होती है, लीफ एंड मिड लीफ, तो यहां से लेकर स्ट्रक्चर यही क्या है, लेमिना, यही पर्णफलक है। पत्ती जितना आपने आपके और मैक्सिमम शेप एंड साइज या फुल साइज ऑफ लीफ विच इज नोन एज लेमिना, उसी को पर्णफलक कहते हैं। अर्थात पत्ती पत्ती जितने दूर में फैली होती है, पेट्यूल से लेकर एपिक्स तक, शीर्ष तक, और रिब और मिड रिब आपस में मिलकर उसको जितने दूर तक स्ट्रेच किए रहते हैं, फैलाए रहते हैं, वही पर्णफलक कहलाता है, लेमिना कहलाता है। तो लीफ इज ऑफ्टन फुल साइज कॉल्ड लेमिना। लेमिना इज ग्रीन कलर। लेमिना क्या होता है, पर्णफलक हरे रंग का होता है। एंड मेन फंक्शन ऑफ लेमिना, इसका मुख्य कार्य लेमिना का क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है इज फूड फॉर्मेशन, अर्थात फोटोसिंथेसिस की नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये प्रकाश संश्लेषी होता है क्योंकि इसमें हरित लवक होता है हरा रंग होने के कारण। एंड रिस्पायरेशन, श्वसन क्रिया और ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन आल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अतिरिक्त ये भोजन निर्माण के अतिरिक्त श्वसन और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में भाग लेता है। डिफरेंट वेरिएशन आर फाउंड इन लेमिना आर एज फॉलो। डिफरेंट वेरिएशन, विभिन्न इसमें रूपांतरण भिन्नताएं पाई जाती हैं जो नीचे आपको दे गए हैं। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे शेप ऑफ लेमिना, पर्णफलक की आकृति। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मार्फोलॉजी लेमिना इज मॉडिफाइड इन टू डिफरेंट वे इन डिफरेंट प्लांट विच इज नोन एज शेप ऑफ द लेमिना। पर्णफलक की आकृति जो है बाह्याकारकी की दृष्टि से भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न रूप में रूपांतरित होती है या पाई जाती है, उसी को डिफरेंट शेप ऑफ लेमिना कहते हैं, अर्थात शेप ऑफ लेमिना, पर्णफलक की आकृति। बच्चों एक ए सर्कुलर सूच्याकार, ए सर्कुलर ए सूच्याकार, ए सूज्य की आकृति की शीर्ष पर जाकर एकदम सूर्य की तरह हो जाती है, जैसे पाइनस जेरेडियाना, चीड़ जिसको कहते हैं, पाइनस जेरेडियाना में ये लेमिना जो है, लेमिना का ये विक्स शीर्ष भाग जो है सूर्य की आकृति का बना लेता है। याद रखिएगा कि देख सूच्याकार जो है पाइनस में पाया जाता है। लीनियर रेखाकार जब लेमिना पर्णफलक रिबन लाइक हो जाता है, फीते जैसी आकृति बना लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, रेखाकार या लीनियर कहते हैं। जैसे व्हीट राइस एंड ग्रासेस, गेहूं में, धान में और अन्य घासों में ये एपिक्स, ये लेमिना का जो शीर्ष होता है क्या पर्णफलक कैसा हो जाता है, ये रेखाकार होता है। लैंड सियोलेट भालाकार, भालाकार क्या है देखते हैं बच्चों, बीच में मोटा होता है और शीर्षों पर नुकीला हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, लैंसियोलेट भालाकार। तो जब लेमिना इस रूप में मॉडिफाइड होता है तो उसको लैंसियोलेट कहते हैं। जैसे नेरियम, नेरियम एक पौधा है, कनेर जिसको कनेल के नाम से जानते हैं, उसमें पत्ती इस तरह की संरचना बना लेती है। ऑब्लॉन्ग आयताकार, जब पत्ती का ये लेमिना पर्णफलक बच्चों एक रेक्टेंगल बना लेता है, एकायक बना लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्लॉन्ग आयताकार। जैसे बनाना केले में, केले की पत्ती में देखते हैं आयत बना लेता है, ऑब्लॉन्ग हो जाता है, तो अर्थात बनाना लीफ में इस तरह की मॉडिफिकेशन पाया जाता है। ओवेट अंडाकार, जब लीफ लेमिना पत्ती का पर्णफलक बच्चों एक अंडाकार, ओवेट अंडाकार शेप में रूपांतरित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ओवेट लेमिना शेप। जैसे बरगद है, पीपल है और गुड़हल में ओवेट लेमिना पाया जाता है। कॉर्डेट, कॉर्डेट है हृदयाकार, लेमिना हार्ट शेप
स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है। जब कॉर्नफ्लक्स हृदय की आकृति हृदयाकार संरचना बना लेता है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं कॉर्डेट, जैसे पान में पाया जाता है। हेस्टेड कुंताव, कुंताव हेस्टेड स्पेशल मॉडिफाइड लेमिना है, तो आइपोमिया और टाइफोनियम जल छुई में पाया जाता है। रेनिफॉर्म वृत्ताकार, जब बच्चों ये लीफ लेमिना पत्ती का पर्णफलक रेनिफॉर्म हो जाता है, किडनी शेप हो जाता है, वृक्क के आकृति का हो जाता है, तो उसको वृत्ताकार या रेनिफॉर्म शेप ऑफ लेमिना कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, लेमिना किडनी शेप साइज में हो जाता है, मालवा और हाइड्रोकॉटिल, मालवा और हाइड्रोकॉटिल की पत्तियों का जो लेमिना होता है रेनिफॉर्म हो जाता है, किडनी शेप हो जाता है। ल्यूनेट बच्चों नवचंद्राकार, नवचंद्राकार हाफ ऑफ चंद्रमा की आकृति में हसी आकार बना लेता है। पैसिफ्लोरिया, पैसिफ्लोरा झुमुक लता एक पौधा है, उसमें ऐसा पाया जाता है। ओबेट अभियंडाकार, ओबेट अभियंडाकार पत्ती, जब पत्ती का लेमिना बच्चों ओबेट हो जाता है अभियंडाकार, तो उसको जैसे कटहल की पत्ती लेमिना इस शेप में मॉडिफाइड हो जाता है। क्यूनिएट फनाकार, क्यूनिएट जब लेमिना जो है स्नैक फन लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है, पत्ती का लेमिना पत्ती का पर्णफलक जो है सर्प के फन की आकृति का बना लेता है संरचना, तो उसे फनाकार कहते हैं, जैसे पिस्टिया में पाया जाता है। आर्बिक्यूलर चक्राकार बच्चों, जब लीफ लेमिना पत्ती का पर्णफलक एक चक्र साइक्लिक प्रोसेस, एक चक्राकार रेगुलर राउंडेड स्ट्रक्चर में हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं चक्राकार आर्बिकुलर, आर्बिकुलर नेस्टर्सियम, नेस्टर्सियम की लेमिना में इस तरह के रूपांतरण है। तो बच्चों ये शेप ऑफ लेमिना आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्रम में जो है एपिक्स ऑफ लेमिना। एपिक्स माने शीर्ष, पर्णफलक का शीर्ष कैसा है, ये तो हम लोग पर्णफलक का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पढ़े, संरचनात्मक रूपांतरण अब आगे क्रम में एपिक्स ऑफ लेमिना पढ़ा जाएगा, जो अगले वीडियो में सब लोग पूर्ण रूप से वीडियो को देखें। अब विद्यालय खुलने वाला भी है आगे के क्रम में, तो आप वीडियो को रिवाइज करते रहे, पीछे के नोट्स प्लेलिस्ट से वीडियो को प्राप्त करके कंप्लीट कर लें। थैंक यू।